अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं सुहेल, आपके साथ एक दफ़ा फिर। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं अपने मोटर बाइक से, जो है होंडा NC750 SDCT। प्यार से हम इसको जॉनी कहते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इस मॉडल की थोड़ी सी हिस्ट्री, मेरी ओनरशिप के बारे में, कॉस्ट के बारे में, और जनरली मोटर बाइक्स की पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और इस मॉडल के बारे में जो दो तीन मखसूस चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे। देखते रहिए। तो ये है जी हमारा मोटर बाइक, होंडा का है, और इसके मॉडल का जैसे मैंने बताया कि ये है NC750S, और ये DCT में आता है। होंडा ने इसको ओरिजिनली 2012 में इंट्रोड्यूस कराया था, और इसका नाम फिर रखा था जी कि न्यू कॉन्सेप्ट है ये। और ये जो NC750 है, NC इसमें न्यू कॉन्सेप्ट का ये इसके अब्रीविएशन से 2014 में इन्होंने इसको फिर अपग्रेड कर दिया, और फिर पहले 700 निकला था, फिर उसको अपग्रेड करके 750 CC इन्होंने कर दिया। और हॉर्स पावर में भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है को 3 हॉर्स पावर का फ़र्क पड़ा था। अब इसकी जो हॉर्स पावर है वो है जी 54 हॉर्स पावर। ये इसमें फिर 4-स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन है, 6 इसके गियर हैं, और स्ट्रीट बाइक कैटेगरी में ये मोटर बाइक आता है। और भी इस मोटर बाइक की डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, इसमें डर्ट बाइक हो गया, स्ट्रीट बाइक, क्रूज़र, टूरर हो गया, स्पोर्ट्स या इवन सुपर स्पोर्ट्स हो गया। बस फ़र्क अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जितना गधे और घोड़े और ऊँट में फ़र्क है, बस यही फ़र्क है। मैंने ये मोटर बाइक जो है 2018 में ख़रीदा था, उस वक्त ये 3 साल पुराना था। अब और मेरा ख्याल है उस वक्त 3600 का मैंने ख़रीदा था ये, तो उस वक्त 3 साल पुराना था। तो नॉट बैड डील थी कि आपको एक 3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी 3600 पाउंड में मिल रही है, तो नॉट बैड था। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इस मॉडल की स्टैंडर्ड फीचर जो हैं वो क्या हैं। इसमें अगर देख सकते हैं आप, इग्निशन के साथ ऊपर HISS लिखा हुआ है। ये है जी होंडा इग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि आपको इंश्योरेंस में काफ़ी बेनिफिट देता है। फिर इसकी ब्रेक्स वगैरह जो हैं वो हाइड्रोलिक्स हैं, और अगर मैं फ्रंट पर जाऊँ तो इधर इसका सिंगल जो है ना ब्रेक डिस्क आ रही है, देखते हैं आप एक ही साइड पे, ये वाली जो है ना ये ब्रेक डिस्क है, और ये इसके साथ कैलिपर लगा हुआ है। और इसमें इस कैलिपर में 2 पिस्टन हैं, और ये फ्रंट पे जो है ये ABS आता है इसके अंदर। और अगर पीछे वाली साइड पे देखूं तो इस साइड से चलते हैं, हाँ जी यहाँ पे भी ये भी सिंगल डिस्क है, और इसके अंदर भी जो कैलिपर लगा है ये सिंगल पिस्टन का कैलिपर है। फ्रंट भी ब्रेक की सेंसिटिविटी वो भी तकरीबन डबल ही है पीछे वाली से, इसमें डबल जो लगा हुआ है वो पिस्टन कैलिपर। बाकी इसमें फुट पैग्स रेयर, और पीछे वाले और आगे वाले दोनों ऐसे ही आ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स में आ रहे हैं ये। इसकी इस मॉडल की सीट हाइट जो है वो है तकरीबन 790 मिलीमीटर। बड़ी इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, मोस्ट मोटर बाइक जब आप ख़रीदते हैं तो सीट हाइट को आपको देखते हैं कि यार क्या इसकी हाइट है, और आपकी हाइट के साथ इसकी क्या जो है ना मैचिंग आ रही है। मेरी भी 5'3" है, तो 790 जो है बस ठीक ही है। अगर इससे तकरीबन 10-15 मिलीमीटर और नीचे होता तो मैं जो है ना मोटर बाइक को एक फ्लैट फुटेड दोनों फुट नीचे रख सकता था, तो मेरे लिए ठीक है, आई डोंट हैव एनी डिफ़िकल्टीज। ये इसका वेट है तकरीबन 211 किलो जब ये फ्यूल से फुल होता है।
तो डेफिनेटली अगर आपके फ्लैट फुटेड उसमें आ रहे हैं आप ऊपर बैठते हुए, तो आपको आप जो ना स्लो मनूवरिंग में आपको बहुत सारी आसानी होती है। जब आप लाइट्स पे, ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े हैं, या इवन शुरू करते हुए अपना आपका सफ़र, और या फिर स्टॉप करते हुए, तो आपको आसानी जो है ना वो पेश आती है। फिर इसके फ्रंट पे आप देखिए, ये है इसका एक रेडिएटर, जो ये क्योंकि लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो इसका ये रेडिएटर है जो कि तकरीबन गाड़ी की तरह ही है। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अब क्रेडिट जो है ना इसके फीचर्स में क्या चीज़ लगी है। ये जो इसका एग्जॉस्ट है, ये फ्यूल का कंपनी का है। इसके साथ जो नॉर्मली आता है खुद OEM वाला, वो थोड़ा सा क्वाइट था, तो ये इसके साथ जो है ना थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया है। और ये जो आप देख रहे हैं चेन गार्ड, ये चेन के ऊपर जो गार्ड है ये भी अपग्रेडेड है, और ये जो उसके ऊपर मड गार्ड टाइप चीज़ है ये भी, ये क्योंकि वन यूनिट है कंबाइंड, नॉर्मली ये वन भी आते हैं और ऐसे स्प्लिट भी आते हैं, ये वाला कंबाइंड है, ये भी अपग्रेडेड है। और इसके साथ मैंने जो इसके अंदर एक चीज़ ऐड की है वो है जी ये हैंड गार्ड्स। सर्दियों में आपको काफ़ी जो है ना मदद मिलती है इनसे, क्योंकि हैंड्स जो हैं आपके कोल्ड काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, तो उसमें आपको मदद मिलती है इसमें। इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया हुआ है ये जो आप पीछे जो प्लेट देख रहे हैं, ये शैड की है, ये एडेड है। इसके ऊपर आप टॉप बॉक्स जो है ना लगा सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि टॉप बॉक्स लग के कैसे लगता है। अभी जो आपको मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि दो तीन फीचर इसके ऐसे हैं जो आपको बड़े ही हैरान करने वाले हैं। मसलन अगर आपसे मैं पूछूं जी कि टैंक इसका कहाँ है, फ्यूल टैंक, तो आप अगर कहते हैं जी ये वाला फ्यूल टैंक है, तो भाई जन यू विल बी रॉन्ग, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक नहीं है। अभी मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूँ कि ये इसके अंदर, और आप देखिए इसके अंदर कि ये है जी स्टोरेज की इसकी कैपेसिटी, और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसको हम बोलते हैं जी कि ये फ्रंक है, और इसमें आप मुख्तलिफ ओबियसली चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या रक्साक हो गया, बॉटल वाटर की हो गई, या और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि इसके अंदर फुल साइज़ जो है ना आपका हेलमेट वो घुस जाता है, वो बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज़ है। अगर आप मोटर बाइक चला रहे होते हैं, तो अगर आपके पास बैग वगैरह नहीं है, तो यार किधर रखोगे आप यू नो मोटर चीज़ को, अगर आपने कुछ स्टोर करनी है। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन ये है कि अगर ये टैंक नहीं है, तो सर जी टैंक किधर है? तो आपको बताता हूँ कि ये इसका टैंक जो है ये इस जगह पर इस सीट के नीचे है, और इसकी एक्सेस इस जगह जो पीछे वाली सीट है वहाँ से होती है। अभी इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। पीछे से इसका यहाँ से फ्यूल इधर से जाता है जी अंदर, और तकरीबन 14-15 लीटर इसमें बआसानी आ जाता है। तो ये इसका ये चक्कर है जी। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, फीचर है, वो है जी कि DCT। ये मॉडल का नाम जो लिखा हुआ है जी NC750S, ये मॉडल स्पेसिफिक जो है ये इसके साथ एडिशनल है जी DCT। ये आता है ड्यूल क्लच सिस्टम, इसमें आता है, जो मुझे बताया गया जी कि होंडा जैज़ में ये सिस्टम चलता है ऐसे। तो अगर आप देखें ना क्लच है और ना ही नीचे गियर है, तो इसका मैनुअल गियर नहीं है, ये है जी सर ऑटोमेटिक मोटर बाइक है। और आप इसको बस गियर में उसको बटन दबाएं, गियर में चला जाता है, और उसके बाद आप ट्विस्ट करते जाएं एक्सेलेटर को, और ये बस अपने आप की स्पीड के मुताबिक उस गियर्स को ऊपर नीचे करता रहेगा। इसमें जो क्लच की टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें ड्यूल क्लच का मतलब है कि इसमें दो क्लच हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पर है, दूसरा राइट हैंड साइड पर है। सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, तो गियर नंबर 1, 3, 5 जो है एक साइड पे लगते हैं, 2, 4, 6 वो दूसरी साइड पे लगते हैं। अगर मैं कंट्रोल की तरफ जाऊँ, तो राइट हैंड साइड पे काफ़ी
टिपिकल कंट्रोल हैं बजाय इसके इसके सिवा कि यहाँ पे ये जो ये बटन है ये इसका डिफरेंट है। नॉर्मली बाकी बाइक्स में तकरीबन यही आती है। इसमें आपका जो रेड नज़र आ रहा है ये है जी किल स्विच इसको बोलते हैं, और बाकी ये जो एन है न्यूट्रल, डी ड्राइव एंड एस स्पेशल कह रहे हैं, स्पोर्ट कह रहे हैं, जो भी करें, और नीचे वाला जो बटन है ये वाला, ये है स्टार्ट के लिए, और इसके पीछे ये है एम और टी वाला जो है ये है मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो जब आप राइड करने लगें तो आप इसको ये वाला बटन दबाएं तो फिर ये ड्राइव में चला जाता है, नॉर्मल स्पीड ड्राइव में भी जाता है, और इसके साथ एक और इसकी मोड है स्पोर्ट्स वाली जो मोड है, आई थिंक स्पोर्ट्स है या स्पेशल है जो भी है। डिफरेंस बस यही होता है कि जब आप एस मोड में होते हैं तो ये जो आपको क्या कहूँ कि तकरीबन ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये इसके गियर्स को एक गियर नीचे चलाता है, मगर यानी कि अगर आपकी स्पीड इतनी है कि आप चौथा पांचवा गियर लगा सकते हैं और इसको लगाना चाहिए तो ये उसको अगर चौथे में होना चाहिए तो ये तीसरे में रखेगा, अगर तो बेसिकली वन गियर डाउन में ये इसको चलाता है। तो थोड़े से आपके रेव्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, थोड़ी सी आपके पास पावर ज़्यादा होती है, अगर आपने ओवरटेक वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें भी तकरीबन बाकी सारे फीचर तो हैज़र्ड लाइट है, हॉर्न है, हेडलाइट्स के बटन हैं, गियर अपना इंडिकेटर के बटन हैं, लेकिन इसके साथ जो एडिशनल फीचर है वो भी बताता हूँ आपको। वो क्योंकि ये DCT है तो इसके साथ ये दो जो ना लीवर लगे हैं, एक ये वाला और ये पीछे वाला, इधर से आप गियर को माइनस कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, और दूसरे वाले से प्लस कर सकते हैं, यानी कि चलाते चलाते ऑटोमेटिक में अगर आपने कहीं ओवरटेक करने के लिए छठे गियर में जा रहे हैं तो आप पांचवें में करना चाहते हैं तो इसको माइनस करें तो ये वो गियर डाउन हो जाएगा और वहां से आप ओवरटेक करके ऑटोमेटिकली ये फिर उस अपनी ड्राइव मोड में चला जाएगा। एक और जो फीचर इस मोटर बाइक का बड़ा बेहतरीन है वो है जी इसका लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको तो मेरे पास ये है जी एक हथौड़ा, तो इस हथौड़े का जब तक वेट नीचे है ज़्यादा तो इसको बैलेंस करना इजी है, अगर मैं इसको उल्टा दूं और ऐसे रखूं तो इसको बैलेंस करना मुश्किल है। तो यानी कि जितना वेट जो है वाला पोर्शन वो ज़मीन के नज़दीक होगा तो उसको बैलेंस करना ईजी है। इस मोटर बाइक की अगर आप इंजन की ओरिएंटेशन देखें तो ये यहाँ से आता है और यहाँ तक जाता है, और इवन जो रेडिएटर है इसके नीचे तक आपको नज़र आता है ये। इसकी ओरिएंटेशन एक तो ऐसे है, और दूसरी चीज़ जो इसका टैंक है वो इस सीट के नीचे होने की वजह से बजाय इसके कि यहाँ पे हो, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इम्पेक्ट करती हैं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, यानी कि टैंक और ये जो टैंक इसका है वो यहाँ है और जो ये इंजन है ये लीनिंग फॉरवर्ड है। नॉर्मल मोटर बाइक्स पे अगर देखें तो वो इंजन जो है वो इस तकरीबन एंगल में होता है और तकरीबन यहाँ तक आता है, इस जगह तक। तो इसकी अगर आप देखें तो टॉप मोस्ट जो पार्ट इसकी इंजन तक है वो यहाँ पर है बजाय इसके कि यहाँ पर हो, और टैंक इसका यहाँ है बजाय इसके कि यहाँ पर हो। तो ये दो चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको स्लो मूविंग